वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेन में आए हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच ए वे दैट एट एनी इंस्टेंट द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलेरेशन आर इक्वल। इफ इट्स स्पीड एट टी इज इक्वल टू जीरो इज 4 meters per second द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन विल बी 1/α ((1-e)²-2π/s). तो ये तो ऐसे सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है और सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड सेंट्रिपिटल एसी और एटी को इक्वल कर दिया। सो दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू दिस इज डी वी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज डी टी। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों तरफ। सो दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज आर हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें, तो इसको हम करेंगे दिस इज 4 टू दिस करके कहाँ तक, वी तक दिया हुआ है, ठीक है। 4 से लेकर के कहाँ तक, V तक, और इसको करेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, दिस इज इक्वल टू T तक। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/V हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, तो दिस इज 4 टू V एंड दिस इज इक्वल टू ये आपका T अपॉन कितना हो जाएगा R एंड वैल्यू इज 0 टू T। सो अगर वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हायर वैल्यू कितना है V, लोअर वैल्यू कितना है 4। सो दिस इज -1/V और -1/4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। सो दिस इज इक्वल टू +1/4 एंड दिस इज इक्वल टू टी, हायर वैल्यू है तो टी अपॉन कितना हो जाएगा आर, लोअर वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 4/1 - कितना आ जाएगा 8t आ जाएगा एंड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज वी नो दैट दिस इज ds/dt। सो दिस इज इक्वल टू अगर फिर से इसको इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे, जैसे हम इसको क्या कर दें कि ds dt upon दिस इज 1 - 8t एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ds क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ, और 4 भी है तो 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 0 से कहाँ तक t तक, 0 से t और इसको 0 से कहाँ तक 8 तक, जो कि गिवन था आपको कि इट्स अ स्पीड एट gt इज इक्वल टू 0 at 4 meters per second द टाइम टू कम्प्लीट द फर्स्ट रेवोल्यूशन विल बी, ठीक है, 0 से s तक लेते हैं ना, 8 नहीं s तक, 0 से s तक, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हम s ले लेंगे। सो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो r की वैल्यू जो गिवन है इसमें r इज इक्वल टू दिस इज 0.5 meters हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2π into r। सो दिस इज इक्वल टू 2π into r इज इक्वल टू 0.5। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। सो s की वैल्यू पाई हो जाएगी। सो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो है बेटा यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 4 और इनटू ln, क्योंकि 1 - 8t है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में आएगा। सो दिस इज ln 1 - 8t एंड डिवाइडेड बाय दिस इज -8 आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, सो दिस इज 0 से t और दिस इज इक्वल टू इधर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू s, दिस इज 0 टू s और s की वैल्यू कितनी है पाई। सो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें, सो दिस इज 4 इंटू दिस इज ln 1 - 8t, तो देखो इसकी वैल्यू पुट करें तो हायर वैल्यू t है तो 8t एंड माइनस अगर हम पुट करें 8t और माइनस लोअर वैल्यू कितना है 0, सो दिस इज ln कितना हो जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना -8 एंड डिवाइडेड बाई s की हायर वैल्यू s है तो s पुट करें तो लोअर वैल्यू कितना है 0, सो दिस इज इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा पाई। सो हम जानते हैं कि जो ln 1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 दिस इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ln 1 - 8t इक्वल टू दिस इज इक्वल टू -2π हो जाएगा। सो 1 - 8t इक्वल टू दिस इज e²- कितना हो जाएगा 2π। सो दिस इज इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ पे तो -8t इक्वल टू e²-2π और माइनस कितना हो जाएगा 1, अगर माइनस साइन को हटाओगे तो 8t इज इक्वल टू 1 - e²- कितना हो जाएगा दिस इज 2π हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 1/8 × 1 - e²- कितना हो जाएगा 2π। तो अगर हम आंसर में देखें तो देखो लिखा हुआ 1/8 × 1 - e²- कितना है 2π, सो दिस इज अल्फा
अल्फा इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज़ इक्वल टू दिस इज 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ही रीचेज ए 0.750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द अपोजिट बैंक, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, हमने रिवर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से चलता है और यहाँ पे पहुँच जाता है वो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 750 क्या हो गया मीटर, ये अपोजिट पार्ट हो गया। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में हो गया, और जो बैंक है दोनों रिवर का जो छोर है बेटा उस 1 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, 1 किलोमीटर। सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस इज वी एस इंटू कितना लिखते हैं टी, मान लीजिए टी टाइम में क्रॉस कर रहा है वो। सो दिस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं यहाँ से, और ये लिख सकते हैं 750 इज इक्वल टू दिस इज वी आर इंटू कितना लिखेंगे टी। सो दिस इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 750 इज इक्वल टू दिस इज वी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई वी आर इंटू कितना हो गया टी, ये कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से दिस इज वी एस अपॉन दिस इज वी आर, एंड वी एस अपॉन वी आर इज इक्वल टू हो गया दिस इज 1000 एंड डिवाइडेड बाई 750। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ से हो गया ये हो जाएगा 25 या 75, सो 4/3। सो दिस इज व्हाट इज वी आर, तो वी आर इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 3/4 इंटू दिस इज वी एस, सो दिस इज 3/4 इंटू वी एस, तो वी एस इज इक्वल टू कितना है, सो दिस इज वी एस इज इक्वल टू आपको गिवन है 4, सो दिस इज इक्वल टू इंटू कितना हो जाएगा 4, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू दिस इज 3 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे गिवन है आपको कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ सेंटर एट द ओरिजिन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एक्सिस इक्वल टू 2+2 मीटर, इट्स वेलोसिटी इज -4j मीटर पर सेकेंड, द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी वी एंड एक्सेलेशन एट एक्स इक्वल टू -2 मीटर विल बी। ठीक है, तो जैसे अगर कोई सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सर्कुलर पाथ अच्छे से बनाए, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ हो गया। सर्कुलर पाथ में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है, इसका रेडियस जो है दिस इज इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर, एक्स इज इक्वल टू +2 मीटर है, मतलब दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। ये ओरिजिन हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया सेंटर पे ओरिजिन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -2 मीटर। सो अगर हम देखें तो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है इधर दिस इज इक्वल टू 4j। यहाँ पे देखो गिवन है इट्स वेलोसिटी इज -4j मीटर पर सेकेंड, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको, मतलब कि 4j आपको गिवन है वाई डायरेक्शन में, और एक्स इज़ टू यहाँ पे कितना, दिस इज -2, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगा दिस इज -4j हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि इसको हमने क्या लिख रखा है पॉजिटिव एक्स, और ये क्या है आपका पॉजिटिव वाई है, तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन हम देखें, सो दिस इज वी स्क्वायर अपॉन आर, सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, सो दिस इज 8 मीटर कितना हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम देखें तो एट एक्स इज़ टू -2, एक्स इज़ टू -2 अगर हम देखें तो v इज़ टू कितना हो जाएगा, सो v इज़ टू दिस इज 4j कैप, ठीक है, एंड जो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 8 किस डायरेक्शन में, तो सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स मतलब क्या i के डायरेक्शन में, मतलब x डायरेक्शन में। सो दिस इज इक्वल टू ये जो वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे, सो सॉरी एक्सेलेरेशन जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 8i कैप हो जाएगा। तो दोनों जो वेलोसिटी, जैसे इसमें कहा था आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन दोनों पूछा है एट एक्स इजकल टू -2 पे, ठीक है, एट एक्स इजकल टू -2, तो -2 पे जो वेलोसिटी है वो +4j है, और एक्सेलेरेशन जो है दिस इजकल टू 8i कैप है, यही आया ना, दिस इजकल टू 4j कैप, एंड एक्सेलेरेशन इजकल टू 8i कैप। सो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो बी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर, देख लीजिए यहाँ पे वी इजकल टू 4j और ए इजकल टू दिस इज -8i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बी पार्ट जो है इसका बच्चों वो करेक्ट आंसर है।
सो इसी तरह से सारे इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको रिलेटिव वेलोसिटी का भी करा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपका सर्कुलर मोशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं, ठीक है। और जो असाइनमेंट है उसमें भी ऐसा ही है, दोनों क्वेश्चन एडेड हैं, सब करेंगे आप लोग।